अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर मिस खदीजा। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर न्यू लेसन माय स्कूल एंड क्लासरूम फ्रॉम सोशल स्टडीज बुक। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। द स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ। अ स्टूडेंट स्पेंड एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन टाइम इन लर्निंग हेयर। My school. Let's start reading. I study in a school. मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। Line number 2. The name of my school is ASF Public School and it is in Karachi City. मेरे स्कूल का नाम ASF Public School है और वो कराची सिटी में है। Line number 3. I learn many new things at school. मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखता हूँ स्कूल में। Line number 4. I have many classmates from different homes. मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हैं different homes से। Line number 4. We study. Line number 5. We study and play together. हम पढ़ते और खेलते एक साथ हैं। Line number 6. The teacher teach us different subjects in the classroom. टीचर जो होती हैं टीच करती हैं हमें different subjects classroom में। Line number 7. We have to read and write. हमें लिखना और पढ़ना होता है। Line number 8. The school help us to grow up as better people. School हमें grow करता है as better people. We learn reading and writing. हम reading और writing learn करते हैं. We learn about numbers. हम numbers के बारे में learn करते हैं. Headmistress or headmaster. The headmistress or headmaster takes care of section of the school. Headmistress or headmaster जो होते हैं take care करते हैं school के section की. The teacher teach us in the class. Teacher teach करती हैं हमें class में. Librarian. The librarian manage a school library. Librarians जो होती हैं manage करते हैं school library. We learn about nature and science. हम nature और science के बारे में learn करते हैं. We learn to make things. हम चीज़ों को बनाना सीखते हैं. There are many people in school who help us. यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं school में जो हमारी help करते हैं. Principal. The principal looks after the school. Principal school को देखते हैं. The secretary looks after the school office. Secretary जो होते हैं school के office को देखते हैं. कोच. द कोच इंस्ट्रक्ट फिजिकल एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स. कोच जो होते हैं हम इंस्ट्रक्ट करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में गेम्स में और स्पोर्ट्स में. प्यून. द प्यून हेल्प्स द स्टाफ. ही कीप्स द क्लासरूम क्लीन. प्यून हेल्प करते हैं स्टाफ को और वो क्लासरूम्स क्लीन रखते हैं. वॉचमैन. द वॉचमैन मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ आवर स्कूल. ही वेलकम्स अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग. जो वॉचमैन होते हैं मेंटेन करते हैं स्कूल की सिक्योरिटी को और हमें वेलकम करते हैं हर रोज सुबह में. माई क्लासरूम. लाइन नंबर 1. माई क्लासरूम इज नीट एंड कलरफुल. देर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम. मेरी क्लास जो है बहुत नीट और कलरफुल है. मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं. लाइन नंबर 2. Our teacher is very helpful. She has helped us prepare rules for our classroom and put them up on the wall. मेरी टीचर बहुत हेल्पफुल है और वो क्लास की प्रिपरेशन में हमें क्लासरूम की प्रिपरेशन में हमें हेल्प करती हैं. The rules help us to be disciplined and organized and focus better on our studies. जो रूल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज बेहतर पढ़ाई करने के लिए फोकस करती हैं बेहतर पढ़ाई करने के लिए. द क्लासरूम रूल्स आर. लाइन नंबर 1. डू नॉट लिटर द क्लासरूम. क्लास को गंदा ना कीजिए. लाइन नंबर 2. रेज योर हैंड व्हेन यू वांट टू स्पीक. अपना हाथ खड़ा करें जब आपको बात करनी हो. लाइन नंबर 3. शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल प्रॉपर्टी. स्कूल की प्रॉपर्टी पर को रिस्पेक्ट दें. लाइन नंबर 4. सबमिट होमवर्क कॉपीज ऑन द टीचर डेस्क एवरी मॉर्निंग. अपनी टीचर को अपनी कॉपीज एवरी मॉर्निंग सबमिट करवा दीजिए. कम प्रिपेयर विद योर ओन टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी एवरी डे. जब आप स्कूल आए तो प्रिपेयर्ड होकर अपनी स्टेशनरी और टेक्स्ट बुक्स के साथ आए. डू नॉट ईट एनीथिंग इन द क्लासरूम. क्लासरूम में कुछ भी मत खाएं.
टॉक टू द टीचर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, टीचर से बात करें अगर आपको कोई तकलीफ हो तो. एक्टिविटी नंबर वन, एक्टिविटी वी परफॉर्म एट स्कूल विल सिंगिंग, राइटिंग, एक्सरसाइज, प्लेइंग, रीडिंग, स्टडी, पेंटिंग. विच एक्टिविटी डू यू लाइक द मोस्ट? यू हैव टू राइट हियर. एक्टिविटी नंबर टू, चूज द बेस्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक. नंबर वन इज प्रिंसिपल, नंबर टू इज सेक्शन, नंबर थ्री इज टीचर, नंबर फोर इज लाइब्रेरी, नंबर फाइव इज कोच. फिल इन द ब्लैंक. नंबर वन इज 7:45, नंबर टू इज मैनी, नंबर थ्री इज एसएसटी, नंबर फोर इज फुटबॉल, नंबर फाइव इज मॉर्निंग. मार्क टिक और मार्क ट्रू फॉर ट्रू और फॉल्स फॉर फॉल्स. नंबर वन फॉल्स, नंबर टू फॉल्स, नंबर थ्री ट्रू, नंबर फोर ट्रू, नंबर फाइव इज ट्रू. एक्टिविटी नंबर थ्री, Write down five things that you do in your classroom. Number one, I learn new things in my classroom. Number two, I do reading in my classroom. Number three, I help my friends in my classroom. Number four, I do complete my work in my classroom. Number five, I take care of my things in my classroom. You have to draw here your classroom. I hope students you will learn the lesson and you did enjoy the lesson. Thank you and Allah Hafiz.